हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एथिकल हैकिंग की इन प्रैक्टिकल क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम अपना पब्लिक और प्राइवेट आईपी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कि हम अपनी हैकिंग लैब तैयार करने के लिए किस तरीके से कोई भी हैकर या अटैकर किस तरीके से 127 आईपी को यूज़ लेता है, लोकल होस्ट किस तरीके से तैयार करता है और उन सर्विसेज को किस तरीके से एक्टिव करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम प्रैक्टिकली जानेंगे। और पिछली क्लासेज में हमने जाना था कि आईपी एड्रेस क्या है और वर्जन कौन कौन से हैं और क्लासेज कौन कौन सी आईपी एड्रेस की और पब्लिक और प्राइवेट आईपी क्या होता है, और वो सारा कुछ आज हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं कि किन किन मेथड से हम अपने आईपी को चेक कर सकते हैं। जैसे कमांड के जरिए किस तरीके से इंटरनेट पे कैसे करते हैं और नेटवर्क शेयरिंग सेंटर के जरिए किस तरीके से हम अपना आईपी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपना पब्लिक आईपी एड्रेस किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है ब्राउज़र के ऊपर, और ब्राउज़र के अंदर जाकर आप जैसे ही व्हाट इज़ माई आईपी करते हैं, जैसे हम लोग गूगल पे जाकर जब भी व्हाट इज़ माई आईपी सर्च करते हैं तो जो आईपी एड्रेस हमें शो होता है वो होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया व्हाट इज़ माई आईपी और जस्ट एंटर, तो देखिए अब जो आईपी एड्रेस हमारे पास में आया है 106 का, वो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है। योर पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे साफ साफ नीचे लिख रखा है। ये तो हो गया हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस जिसके ज़रिए हम इंटरनेट पर ट्रैवल करते हैं, जो हमारी इंटरनेट पर आइडेंटिटी है वो पब्लिक आईपी एड्रेस। उसके बाद में सेकंड जो है प्राइवेट आईपी एड्रेस, उसको देखने के लिए हमें जाना होगा सीएमडी के अंदर, और कमांड में जाने के बाद में हमें देखिए इन कमांड्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नेटवर्क किस तरीके से हम अपने नेटवर्क का स्टेटस चेक कर सकते हैं, हमारा नेटवर्क कैसे क्या चल रहा है। तो देखिए प्राइवेट आईपी एड्रेस जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देते हैं उसको चेक करने के लिए आपको कमांड डालनी होगी आईपी कॉन्फ़िग। वो जैसे ही आईपी कॉन्फ़िग करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आईपी दिखा रहा है IPv4 192.168 का आईपी दिखा रहा है। तो देखिए ये डिफरेंस है कि जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस वो अलग होता है और प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो अलग होता है। और पब्लिक आईपी एड्रेस से हम इंटरनेट पे ट्रैवल करते हैं वो हमारी इंटरनेट पर आइडेंटिटी होती है, और प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिससे हम इंटरनेट लेते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट आईपी के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर हमें सर्विसेज ओपन करनी है 127 की, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है कंट्रोल पैनल के अंदर, और कंट्रोल पैनल के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है प्रोग्राम एंड फीचर्स में, जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल और इंस्टॉल कर सकते हैं और विंडोज़ फीचर्स को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विंडोज़ फीचर ऑन ऑफ का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है साइड में, तो सबसे पहले हमें करना है वहाँ पर क्लिक। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो विंडो फीचर्स जो सर्विसेज हैं वो हमारी ओपन हो जाती हैं, और इसके अंदर हमें इंटरनेट की सर्विसेज मिल जाती हैं, हमारी जो लोकल होस्ट की सर्विसेज हैं वो ओपन करने के लिए हमारे पास में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो हम यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें जो सर्विसेज हैं वो शो हो रही हैं। तो यहाँ पे मेनली हमें दो सर्विसेज हैं जो एक्टिव करनी होती हैं, पहला जो है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस होती है और दूसरी जो है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस होस्टेबल। ये दोनों की दोनों चीज़ें हमें एक्टिवेट करनी होती हैं, जिसके बाद में हमारा जो 127 का लोकल होस्ट का जो सर्विस है वो ओपन हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है। इसको चेक कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इनको करना है चेकआउट, तो दोनों सर्विसेज को चेकआउट कर देते हैं। चेकआउट करने के बाद में जस्ट हमें कर देना है इसको ओके, और जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये जो सर्विसेज हैं ये हमारी एक्टिव हो जाएंगी, जिसके ज़रिए हम लोकल होस्ट पे वर्क कर पाएंगे। तो जैसे हम ओके करते हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो टिकट लिटल बिट टाइम थोड़ा वेट करते हैं तब तक ये सर्विसेज ओपन हो जाएंगे। और इस चीज़ का कैसे पता लगेगा कि सर्विसेज ओपन हुई हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें वो और किस तरीके से लोकल होस्ट का यूज़ करते हैं हैकर लोग, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। बाकी इससे रिलेटेड डीपली क्लासेज में आगे के जो इन्वायरमेंट या लैब की जो क्लासेज होंगी उनमें कम्प्लीटली बताएंगे। तो देखिए ये सर्विसेज जो हैं वो हमारी एक्टिवेट हो चुकी हैं, यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात आती है इनको चेक कैसे करें और कैसे लोकल होस्ट का पता करें कि एक्टिव है या नहीं। तो सबसे पहले हमें जाना है माई कंप्यूटर के अंदर, तो पीसी के अंदर जाने के बाद में सी ड्राइव में जैसे ही आप जाएंगे आई नेट पब नाम से एक न्यू फोल्डर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, नया फोल्डर आ जाएगा आई नेट पब नाम से। तो जस्ट आपको उस फोल्डर के अंदर जाना है, तो जैसे ही आप उस फोल्डर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है www root। तो इस फोल्डर के अंदर देखिए अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो फाइल्स हैं। इसके अंदर जो भी वेबसाइट होती हैं टेस्ट करने के लिए
उनको डाला जाता है, हैकर लोग उनको यहाँ पे डालते हैं। अभी ये खाली है, अदरवाइज़ आपको आगे की क्लासेज में जैसे बताया जाएगा कि किस तरीके से इनमें वेबसाइट अपलोड की जाती है और किस तरीके से इसको एक्टिव किया जाता है। तो मान लीजिए दो फाइल्स हैं, अगर इन फाइल्स को ओपन करके देखेंगे तो इनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये फाइल क्या है क्या नहीं। अब इनको चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए आपको जस्ट जाना है गूगल पे। गूगल पे जाके आपको जस्ट यहाँ पे डाल देना है जो भी एड्रेस है, 127.0.0, तो जो एड्रेस है हमारा आईपी एड्रेस वो डाल देना है, 0.0.0। तो हमने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद में सॉरी यहाँ पे 0.0.1 डालना, उसके बाद में आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर डालना है। अगर आप बिना पोर्ट के चलाएंगे तो भी ये चल जाएगी, अगर पोर्ट नंबर डालते हैं जैसे 81 सेट कर रखा है और लगभग जो पोर्ट है वो 80 ही यूज़ किया जाता है, तभी मैंने पोर्ट नंबर 80 ही यूज़ कर रखा है, तो पोर्ट नंबर 80 यहाँ पे मैं डालूँगा। और यहाँ पे 80 पोर्ट नंबर डाल के जैसे ही आप एंटर करते हैं, या फिर सिर्फ 127.0.0.1 डाल कर भी आप एंटर करते हैं, तो जो लोकल होस्ट है वो ओपन हो जाएगा और उस लोकल होस्ट में जो भी फाइल है, मान लीजिए कोई वेबसाइट है कुछ भी है, वो ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पर देखिए ये इमेज पड़ी हुई है, तो इसलिए ये इमेज दिखा दिया है कि उसके अंदर ये इमेज फाइल है जो फोल्डर था उसके अंदर। अदरवाइज़ वहाँ पर आप अपनी वेबसाइट पेस्ट करके उसको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ ले सकते हैं, अपने जो हैकिंग प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फ़ोटो वो इसने शो कर दी है लोकल होस्ट के ऊपर। तो इस तरीके से 127 की सर्विसेज वो स्टार्ट की जाती है, और कोई भी हैकर या अटैकर अपनी हैकिंग लैब के लिए और इन चीज़ों का यूज़ लेता है, 127 जो पोर्ट नंबर है 80 या फिर 81, इन चीज़ों का यूज़ लेता है और किस तरीके से आईपी एड्रेस को हम चेक कर पाते हैं और ये सारा कुछ कर पाते हैं। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैंने कल भी बताया था कि कुछ एक आईपी एड्रेस ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल भी ना छेड़ें, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए यूज़ के लिए होते हैं या फिर रिसर्च यूज़ के लिए होते हैं, तो इनके साथ कोई छेड़खानी ना करें, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आप इन आईपीज को बिल्कुल याद कर लें, तो इन आईपीज के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी कभी भी ना करें। तो आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। जो लोग एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।